हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी सिक्योरिटीज़ के स्टॉक्स हैं, आज आपने देखा होगा सिक्योरिटीज़ के सारे स्टॉक भागते हुए नजर आए, ओके, तो उन्हीं से रिलेटेड हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जितने भी मार्केट में सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टॉक है तो उनसे रिलेटेड बातें हम करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपके आज की डेट में हमारे हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड करी है कि दो स्टॉक ऐसे जो राकेश झुनझुनवाला ने भी देखिए बोला है मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप वाले ऐसे स्टॉक है जो फार्मास्यूटिकल या फिर क्या कह सकते हो हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको शेयर मिलेंगे, तो उन्हें जाके देख लीजिएगा। बाकी बात करें तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक ICICI सिक्योरिटीज। जब ये स्टॉक 400 रुपये पे था लगभग एक से डेढ़ महीने पहले, तब से मैं आपको कंटिन्यूसली इसके बारे में बताता आ रहा हूँ और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मैंने इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस भी करी थी और आपको बताया भी था ये स्टॉक भागेगा, और अगर हम देखें तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी ये उसी रेंज में यहाँ पर दौड़ता हुआ नजर आया, बीच में OFS भी आया था, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और जिस तरीके का इनकी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको आपके दिखाने वाला हूँ। तो ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में बताया था, आज भी देखे तो लगभग 5% की यहाँ पर जंप देखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें तो इस स्टॉक से रिलेटेड, देखिए मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 37% की ROCE है, डेट कंपनी के पास है जीरो कोई प्लेजिंग है, तो और ROE की बात करो 70 का ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 के फेस वैल्यू के साथ कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पर देखें ना क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको पता चलेगा कंपनी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे रही है, और बात करें जब से पेंडेमिक आया है, क्योंकि पेंडेमिक होने के बाद से इन कंपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ कंपनी है उनका बिजनेस भागता हुआ नज़र आया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जब आया था ये रिजल्ट भी आए थे इसके, तब भी मैंने आपको बताया था कि क्यों भाग रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनकी ब्रोकरेज ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ओके, फ्यूचर ऑप्शंस में खेल रहे हैं, तो इनकी ब्रोकरेज जनरेट हो रही है, ब्रोकरेज जनरेट हो रही है तो वहाँ से इनका फ़ायदा हो रहा है, और नए नए कस्टमर आ रहे हैं तो नए नए अकाउंट ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर इनका अकाउंट बेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ओके, इनका क्लाइंट बेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एज वेल एज इनकी ब्रोकरेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं भागते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्स की बात करें तो इस बार का जो सेल्स है सारे क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स है 739 करोड़ की, प्रॉफिट की बात करें तो 329 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहाँ पर ईयरली बेस पर भी बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा सेल्स मार्च में ही यहां पर एक इस साल होती हुई ज्यादा नजर आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 1,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, तो ICICI सिक्योरिटीज इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, रिजर्व्स बेहतरीन है, बोरिंग है नो डाउट, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे, अपने आप को मार्केट में पहचान ले रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है, इसलिए यहां पर एक्सपेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, बोरिंग यहां पर इसलिए कंपनी ने ली होगी, बट डरने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। एज वेल एज बात करें यहां पर कैश इक्विवेलेंट की तो अच्छा खासा कैश है, मतलब इनकी जितनी नहीं है उससे ज्यादा तो कैश पड़ा है, जब चाहे तब चुका देंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है, DIS के पास होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का 75% की होल्डिंग, 75% की होल्डिंग किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स रखे तो समझ लेना उन्हें अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 12% की यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ICICI सिक्योरिटीज को हमेशा टॉप पे रखना, मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैंने ऑलवेज आपको सजेस्ट किया है। इसके बाद बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग, देखिए कल की डेट में ही यहाँ पर बताया था एंजल ब्रोकिंग के उस टाइम रिजल्ट नहीं आए थे, बट मैंने आपको बता दिया था कि इनके 30 लाख कस्टमर बढ़ते हुए नजर आया, तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखना, ये शेयर कभी भाग सकता है, और तो आज के डेट में देखिए तो 20% के स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है, तो मेरे ख्याल से ये रैली शायद और बढ़ सकती है, बट अभी आपको जरूरत नहीं है इसमें फंसने की, थोड़ा वेट करिए, काम डाउन हो जाने दीजिए इस स्टॉक को, मार्केट में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने दो, फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के विजन को देखते हुए इन स्टॉक में खरीदारी करेंगे, तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, जो रैली निकल गई बट इसका इन सभी कंपनीज का फ्यूचर आगे चल के बहुत ज्यादा है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो एंजल ब्रोकिंग की भी अगर हम बात करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, 3,497 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, ROCE की बात करें टॉप 4 प्लेयर्स में इसकी गिनती आती है, ओके, एज वेल एज यहाँ पर देख सकते हैं PE रेशो, यहाँ पर इससे रिलेटेड भी आई थिंक मैंने वीडियो बना रखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ROCE की बात करें 26 के ROCE पे, डेट इसके पास भी है और कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। ROE इसकी बात करें तो 34 के ROE और 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी काम कर रही है। सेल्स की बात करें 187 करोड़ की सेल्स आज के डेट में 404, मतलब देखें ना इस बार की जितनी भी सेल्स है
इन कंपनियों की बढ़ती हुई ही आपको नजर आएगी। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी बात करें 1250 करोड़ रुपये का यहाँ पर सेल्स ईयरली बाद 290 करोड़ की नेट प्रॉफिट। रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग ऑब्वियसली बात है, कंपनी अपने आप पे खर्चा कर रही है अपने एडवर्टाइजमेंट ये वो, तो इसलिए कंपनी का यहाँ खर्चा। बाकी अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर फ्री में देता है ये कंपनी, तो यहाँ पर लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ओके, और यहाँ पर आप फ्री में आपका अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन भी करा सकते हैं। एज वेल एज यहाँ बात करें इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, कैश कंपनी के पास अच्छा खासा है ओके, ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के पास अच्छा खासा है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ देखिए 44% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस बार की है। FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIs के साथ लगभग सेम है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक में भी HNIs आई थिंक बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ देख लीजिए ओके। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यहाँ पर जितने भी नॉर्मल मतलब HNIs हैं उन्होंने हिस्सेदारी ले रखा, पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है, इस बात को हमेशा याद रखना, मतलब 10% के आसपास हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी HNIs FIs DIs, तो ये कंपनी भी अपने रेडार पे हमेशा रखना एंजल ब्रोकिंग। बाकी नंबर वन कंपनी हमारी ज़ेरोधा नज़र आती है, तो ज़ेरोधा अभी मार्केट में लिस्ट है नहीं, बट जिस दिन लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है ये सारी कंपनी उसके सामने पीछे फी की पड़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देखिए IIFL सिक्योरिटीज़, ये भी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड काम आज के दिन, ये भी 10% भागी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो देखिए एक साल ही इस कंपनी को आते हुए दिखाई दिया है, अगर एक बार हम देख लेते हैं BSE में अगर ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो नहीं, ये NSE दिखा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक साल ही हुए 23 रुपये का शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए अच्छे खासी। मुझे तो फिलहाल जिस तरीके से सिक्योरिटी सारी भागती हुई नज़र आ रही है, ये भी देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना बट स्टिल अपनी हिसाब से आप देख सकते हैं। डेट इक्विटी की बात करें तो 30% का यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम कर्जा मुझे नज़र आता है। प्लेजिंग की बात करें 0% की प्लेजिंग और 23 के ROE के साथ कंपनी काम कर रही है, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स की 206 करोड़ रुपए की सेल्स, बीच में कम थी बट ये पीरियड के लिए सुहावना है, तो अभी देखिए 238 करोड़ रुपए की सेल्स। धीरे धीरे ये कंपनी भी पिक्चर्स में आ रही है, एक बार जब ये कंपनी ऐसी ही कंपनी बड़ी होती हुई नज़र आती है तो जब धीरे धीरे ये बढ़ती हुई नज़र आएगी ऑल ओवर इंडिया में इनके ब्रांचेस जो होते हुए नज़र आएंगी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्लाइंट बढ़ते हुए नज़र आएंगे, तो ये कंपनी भी एक एंजल ब्रोकिंग को टक्कर दे सकती है, इस बात को याद रखना। धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रही है कंपनी भी, आज की डेट में देखिए देखिए इस बार का जो प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा 77 करोड़ का, और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स यहाँ पर इस बार थोड़ी सी इस पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी ज़्यादा होती दिखाई है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2018 में था, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर 2020 के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है ओके। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की, तो 907 करोड़ का रिजर्व्स, 292 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर बोरिंग अपने आप की कम करते जा रहे हैं, देखिए अपने आप को नेट डेट फ्री की तरफ ये शायद ले जा रहे हैं, इस बात को याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट 74 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें 1600 करोड़ रुपए का कैश, कभी भी डेट चुका सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 31.41, देखिए इस पर्टिकुलर पीरियड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा है, मतलब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो ये कंपनी भाग सकती है और ज़्यादा। FIs ने बढ़ाई है, DIs ने बढ़ाई है, यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक ने यहाँ पर कम करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर HNIs अगर बात करें मॉरिशस इन्वेस्टमेंट और ये भारत जो भी है इन्होंने अच्छे खासी यहाँ पर होल्डिंग रख सकती है, लगभग 15-16% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी होल्डिंग IIFL सिक्योरिटीज़ की HNIs DIs और FIs के वो प्रोमोटर्स के पास है, तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी काफ़ी टाइम से हमें नज़र आ रही है मार्केट में, यहाँ पर देख सकते हैं 2005 से, बट इसका चार्ट पैटर्न ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बट स्टिल बात करें यहाँ पर 18 रुपीज़ का शेयर लगभग 40 रुपये के शेयर मतलब 59 रुपीज़ के शेयर पर यहाँ पर पहुँच गया है इस क्वार्टर में, तो यहाँ पर इन कंपनी की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है, डेट की बात करें बिल्कुल थोड़ा सा ही डेट है, ना के बराबर 4% का भी डेट नहीं है। प्लेजिंग की बात करें तो देखिए 0% की प्लेजिंग है, अगर बात करें यहाँ पर ROE इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस बार की सेल्स दिसंबर की से 104 थी, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो मुझे लगता है जब रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी फिर दोबारा शूट करती हुई नज़र आएगी, और सबसे ज़्यादा
ज़्यादा रिजल्ट पेश करती हुई नज़र आ सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट देखें तो 31 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस बार की सेल्स नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है और नेट प्रॉफिट भी इस बार का ही सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो मतलब इसके रिजल्ट भी बेहतरीन आने वाले हैं। यहाँ पर चेक करिएगा कब इसके रिजल्ट है, जब इसके रिजल्ट हो उससे पहले लेके रख लीजिएगा, आपको 10-15% के शायद गेन मिल सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें 536 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें देखिए बोरिंग कम करते हुए नजर आ रही है, 21 करोड़ रुपए की बोरिंग है, जब चाहे तब आप चुका देंगे। इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 729 करोड़ रुपए इसका कैश रखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 109 करोड़ रुपए का है इस बार का। और बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो मार्च में देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.2 है, FIIs की 1.57 है, DIIs की 0 है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी देखिए बड़े बड़े लोगों जो है राकेश झुनझुन वाले साहब ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है 7.57% की, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनकी हिस्सेदारी भी इस कंपनी में है राकेश झुनझुन वाला की, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये कंपनी अच्छी खासी लग रही है और लगभग नेट डेट फ्री कंपनी है, किसी तरीके कर्ज देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी आगे चल के अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। इसका चार्ट पैटर्न ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, बट कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखना। बाकी लास्ट में आते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की बात करूँ तो ये 500 रुपये से मैं इस शेयर को देखता आ रहा हूँ, और यहाँ पर देखे तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली है, बट दोबारा वही सेम बात करें तो यहाँ पर गिरता हुआ शेयर नज़र आया है। बट जिस हिसाब से इस बार के इसने जो रिटर्न दिए है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी 9673 करोड़ रुपए की ROE इतना है। डेट है कंपनी के पास, क्यों? क्योंकि इनके फाइनेंस का भी बिजनेस है, तो कंपनी ने डेट दे रखा है, तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेल्स की बात करें, इस बार की सेल्स सबसे ज़्यादा है, याद रखो इस बार की सेल्स क्या है सबसे ज़्यादा, इस बार का प्रॉफिट क्या है सबसे ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो देखिए ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अभी जो सेल्स हुई है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी, और ये कंपनी यहाँ पर कब गिरी थी तो बात करें 2017 में इनकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब पीक पे था ये शेयर। तो यहाँ पर 2000 अगर हम बात करते हैं सितंबर दिसंबर की, यहाँ पर इस इन क्वार्टर की बात करते हैं, ओके उसके बाद देखिए गिरावट आई थी, बट इस पर दोबारा पीक पकड़ ली है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये सेल्स, यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस क्वार्टर के बाद गिरता हुआ नज़र आया, फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि ये शेयर 1500, मैंने अपने एक दोस्त को ही बताया था कि ये शेयर 1500 रुपये तक जाता हुआ नज़र आएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 साल का टाइम लग सकता है, तो मुझे लगता है 1500 रुपये ये डबल कर सकता है आपके पैसे को। तो थोड़ा सा ध्यान इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए कि नेट प्रॉफिट बढ़ता जाए, जैसे ये शेयर गिरते हुए नज़र आए आपको तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक तो कंसिस्टेंसी दिखाता है, बाकी यहाँ पर ब्रोकरेज की में भी ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। शायद मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, मुझे नहीं पता, बट स्टिल अगर नहीं बनाया होगा मैं एक एक करके इन सब वीडियो को कैप्चर करूँगा, तब आपको सारी की सारी चीज़ें इनके बताऊँगा, इनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बट सबसे ज़्यादा सेल्स होती हुई दिखाई दी है। तो ये शेयर मुझे लगता है 1500 तक जाएगा, तो इसकी तरफ ध्यान देना है आपको। रिजर्व्स देख लीजिए, ओके रिजर्व्स अच्छे खासे हैं इस कंपनी के पास, सॉरी रिजर्व्स ये वाले हैं 4400। और बोरिंग की बात करें, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर रिजर्व बोरिंग इसलिए है क्योंकि होम फाइनेंस में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3900 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कैश अच्छे खासे है। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें 917, तो जब ये चाहे तभी अपनी बोरिंग को ये चुका सकते हैं, इतना पैसा इनके पास ऑलरेडी है। FIIs की बात करें यहाँ पर 9% की, DIIs के पास 4% की, पब्लिक की पास बात करें यहाँ पर 15% की, और पब्लिक के पास कितने और है यहाँ पर देखिए नवीन अग्रवाल और रजत ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है, वरना बात करें 7-8% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स FIIs DIIs के पास है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज़ करा है। तो ये सारी कंपनीज हैं, इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। बाकी अगर बात करें कौन सी कंपनी सबसे अच्छी मुझे लगती है फाइनली, और किस कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज पूरी मतलब आप इसके रिलेटेड वीडियो बना रखी है, देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा क्यों कह रहा हूँ। ICICI सिक्योरिटीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, इसके बाद ध्यान दे सकते हैं आप मोतीलाल ओसवाल पे, ओके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसके बाद ध्यान दीजिए एंजल ब्रोकिंग पे, ओके फिर उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर जियो जीत पे ध्यान दीजिए,
ओके डेट फ्री के लगभग नेट डेट फ्री कंपनी है राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग है, IIFL पे भी उसके बराबर में ही ध्यान दे सकती है। ओके यहाँ पर ज़्यादा चार्ट पैटर्न नहीं है, 2019 से कंपनी नज़र आ रही है बट स्टिल अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आई है। तो ये सारी कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी है और आने वाले देखिए आने वाले लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, मैंने जो पहली और दूसरी कंपनी बताई है, पहली कंपनी जो ICICI सिक्योरिटीज है मेन, ओके इसकी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से भी आप ध्यान दे सकते हैं। आपका पैसा से 10 साल में डबल करता हुआ, मतलब बात करें अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देते हुए नजर आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन कंपनी की तरफ। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। कोई अगर आपको इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगी या फिर आप कौन सी कंपनी, इसके अलावा और भी कंपनी हो सकती है कि मार्केट में जो ऐसा काम करती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करिए। आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी वो भी कमेंट करिए और मुझे बताइए ताकि और भी हम इस तरीके की बातें करते रहे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।